कुरकुरे पनीर मोमोज, ये देखिए फ्रेंड्स हमारे मोमोज कितने कुरकुरे बने हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूडी काइट्स। मेरा नाम है स्वाति। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर कुरकुरे मोमोज। ये बाहर से जितने कुरकुरे हैं, अंदर से खाने में ये उतने ही सॉफ्ट हैं। चलिए इन्हें बनाने का सिंपल प्रोसीजर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोमोज का आटा तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें 1.5 कप मैदा चाहिए, नमक और 1/2 कप पानी। एक परात में मैदा डाल लेंगे, इसके ऊपर हम नमक डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे। मोमोज का आटा ना तो बहुत हार्ड होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, हमें एक मीडियम सॉफ्ट कंसिस्टेंसी का आटा गूंदना है। आटे को अच्छी तरीके से मसल के गूंदेंगे ताकि इसमें ग्लूटेन डेवलप हो जाए। आटे को अच्छी तरीके से मसल के गूंदना है। अगर आपसे इतना नहीं हो पाता तो मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताती हूँ। जैसे हम ब्रेड बनाते हैं तब हम आटे को पटक पटक के गूंदते हैं ताकि उसमें ग्लूटेन फॉर्म हो जाए, ऐसे ही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसे 15 से 20 बार इस तरीके से उठा के पटकने से ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम इस पे तेल का हाथ लगा के इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसे गीले कपड़े से ढक के भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से क्लिंग रैप में लपेट के रख सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है चलिए फिलिंग बनाते हैं। फिलिंग के लिए हम 1 कप पनीर लेंगे, 2 टेबलस्पून बारीक कटी शिमला मिर्च, 2 टेबलस्पून कैबेज, 2 टेबलस्पून ग्रेटेड कैरेट्स बारीक कटा हुआ अनियन, 2-3 हरी मिर्च, 4-5 कलियां लहसुन की और थोड़ा सा अदरक बारीक कटा हुआ, 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, 1 चम्मच काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, 2-3 चम्मच बटर और 1 चम्मच विनेगर लेंगे। फिलिंग बनाने के लिए पैन में बटर डाल लेंगे। बटर को मेल्ट करते ही हम इसमें चॉप गार्लिक डालेंगे, साथ ही चॉप जिंजर और चिलीज डालेंगे। अब इसे 1 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। अब हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और उसे थोड़ा सा चला लेंगे। प्याज को हमें बहुत ज्यादा देर नहीं भूनना है, बस उसे थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट करना है। प्याज के ट्रांसलूसेंट होते ही हम इसमें ग्रेटेड कैरेट्स ऐड कर देंगे। साथ ही में हम चॉप्ड कैप्सिकम को भी ऐड करेंगे। कैप्सिकम को मैंने बहुत फाइनली चॉप कर रखा है। अब हम इन सब्जियों को अच्छी तरीके से मिला के इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। हमें इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है ताकि ये क्रंची रहें। अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके 1 मिनट के लिए भून लेंगे। चलिए अब इसमें नमक डाल लेते हैं।
काली मिर्च का पाउडर भी डाल रहे हैं हम इसमें। नमक के ऐड होते ही सब्जी और पनीर अपना पानी छोड़ने लगे हैं। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये पानी सूख ना जाए। इसी टाइम हम इसमें अपनी कैबेज भी ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून कैबेज हम डाल रहे हैं। इसे हम एंड में इसलिए डाल रहे हैं ताकि कैबेज क्रंची रह सके। सब सब्जियों को अच्छी तरीके से भूनने के बाद हम इसमें विनेगर और चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे। विनेगर इस मिक्सचर के टेस्ट को बैलेंस करेगा और चिली गार्लिक सॉस ऐड करने से इसका फ्लेवर इनहेंस हो जाएगा और खाने में बहुत मजा आएगा। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये सारी सब्जियों से निकला हुआ पानी अच्छी तरीके से सूख ना जाए। हमारी फिलिंग अगर गीली होगी तो वो मोमोज में भरे जाने पर मोमोज फट जाएंगे, इसीलिए हमें इसे बिल्कुल बिना पानी के बनाना है। ये देखिए, ये सब्जियों में अब पानी नहीं बचा है, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुकी हैं। इसका मतलब है हमारी फिलिंग अब तैयार है। इसे एक बाउल में निकाल के ठंडा कर लेते हैं। चलिए कोटिंग बनाते हैं। कोटिंग के लिए यहाँ मैंने 1/2 कप मैदे में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिलाया है। अब इसमें हम नमक डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, रेड चिली पाउडर, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसका हम एक बैटर तैयार कर लेंगे जो कि ना ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना बहुत ही पतला होना चाहिए। ये देखिए, इस कंसिस्टेंसी का बैटर हमें तैयार करना है। कॉर्नफ्लेक्स को हम हाथों से क्रश कर लेंगे। चलिए मोमोज बनाना शुरू करते हैं। ये आटा हमने निकाल लिया है। अब हम इसमें से छोटे छोटे पेड़े कुछ इस साइज के तोड़ेंगे और इन्हें बेलना शुरू करेंगे। इसे बेलने के बाद मैं इसे एक बड़ी कटोरी से गोल आकार दे रही हूँ और इसके बाद हम इसे और बेल के पतला कर लेंगे ताकि हमारी मैदे की परत पतली रहे। ये देखिए, अब ये पतला हो गया है। अब इस पे हम 1 चम्मच फिलिंग रखेंगे और मैं आपको सबसे इजी तरीका बताऊंगी शेप करने का। इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और अच्छी तरह दबाते हुए इस पे हम डिजाइन देंगे। इसको हम अच्छी तरीके से प्रेस कर देंगे ताकि इसमें से फिलिंग बाहर ना आए और इसके बाद हम इसको इस तरीके से प्लीट्स बनाकर डिजाइन कर देंगे। दोनों एंड अच्छी तरीके से दबाकर सील कर देंगे, कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो मोमोज को गोल आकार भी दे सकते हैं। इस तरीके से एक सिरे से प्लीट करना शुरू करते हुए हम इसे पकड़ के अच्छी तरीके से दबाते हुए दूसरे सिरे तक ले जाएंगे। ये देखिए, हाथ से मैं सारी प्लीट्स को साथ साथ दबाती जा रही हूँ ताकि ये खुले ना और अच्छी तरीके से सील हो जाएं। कुछ इस तरीके से। यहाँ हमने सारे मोमोज को शेप दे दी है। अब हम इन्हें कोट करके फ्राई करेंगे। मोमोज को कोटिंग में डालकर हमें उसे अच्छी तरीके से कोट कर लेना है और इसके बाद हम इसको निकालकर कॉर्नफ्लेक्स वाले बाउल में डाल देंगे।
और इसको अच्छी तरीके से कॉर्नफ्लेक्स में लपेट लेंगे। यहाँ हम दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक हाथ हम गीला बैटर डिप करने के लिए यूज़ कर रहे हैं और दूसरे से हम कॉर्नफ्लेक्स कोट करेंगे। इसी तरीके से मैंने सारे मोमोज को कॉर्नफ्लेक्स में अच्छी तरीके से कोट कर लिया है। तेल को हमें मीडियम हॉट रखना है और इसके बाद हम इसमें अपने मोमोज छोड़ने शुरू करेंगे। अगर बुलबुले उठ रहे हैं इसका मतलब तेल हमारा बिल्कुल परफेक्ट है इन्हें फ्राई करने के लिए। पलट के गोल्डन होने तक हम मोमोज को फ्राई कर लेंगे। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जल जाएंगे। हमें मीडियम हॉट ऑयल ही रखना है। अच्छी तरीके से फ्राई हो जाने के बाद हम इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैं सारे मोमोज फ्राई करके तैयार कर रही हूँ। सब मोमोज फ्राई हो जाने के बाद हम इन्हें सर्व करने के लिए मेयोनीज यूज करेंगे। मेयोनीज को मैंने एक पाइपिंग बैग में भर लिया है जिससे मैं इस प्रकार का डिजाइन बना के इन्हें सर्व करूंगी ताकि ये देखने में भी उतने ही सुंदर लगे जितने ये खाने में हैं। अब इस पे मैं थोड़ी सी पिज्जा सीजनिंग स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑरिगेनो और पेपरिका भी खाली स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए। अपने मन चाहे डिप्स या चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितने कुरकुरे बने हैं, इनकी आवाज़ सुनिए आप। कुरकुरे होने के साथ साथ ये अंदर से बेहद मुलायम भी हैं और खाने में बेहद स्वादिष्ट हैं। तो आशा है आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई होगी और आप इसे जल्दी ही ट्राई करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और इसे एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पे हिट कीजिए ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस का आपको पता चल सके। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।